जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अभी आप लोगों का हिंदी का पेपर हुआ नहीं है, 20 फरवरी के दिन आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, ठीक है। अभी आपके पास एक दिन समय बचा हुआ है, तो मैं जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद कर लो। वीडियो को लास्ट तक देखो और अच्छे से याद कर लो, अच्छे नंबर लाओगे, ये मेरा 100% गारंटी है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने ऐसे लड़के हैं जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर एग्ज़ाम देने जाते हैं। माँ सरस्वती का प्लीज़ आप लोग आशीर्वाद लेकर जरूर जाइएगा पेपर देने, क्योंकि माँ सरस्वती जी सदा आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखो, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस पर तो क्वेश्चन पक्का आएगा तो आएगा, तो याद रखना महू मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगर पूछेगा कब हुआ था तो बता देना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए मानता है जी, कार्य कुशलता के लिए। आंसर होगा ए नंबर, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है तीन नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ के लेखक कौन है जी। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी होंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि विष के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। विष के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है, तो चार का आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए होगा। विष के दांत एक प्रकार का कहानी है जो नलिन बिलोचन द्वारा लिखित है, ठीक है, जो नलिन बिलोचन द्वारा लिखित है। अब देखो अगला प्रश्न आपका है कि सभ्यता संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं तो क्या। तो बहुत लोग अंधविश्वास पर टिक लगा देंगे, लेकिन अंधविश्वास पर टिक लगेगा गलत हो जाएगा, मतांतर पर टिक लगाइएगा, सी नंबर वाला, ठीक है, पाँच का सी नंबर वाला मतांतर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था। देखो, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था, तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा, मैक्स मुलर ने ना कहा था, नहीं क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था, तो मैक्स मुलर ने कहा था ना, हाँ जी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर ने कहा था। देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मैक्स मुलर ने कहा था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये कालिदास ने कहा था, ये भी क्वेश्चन से पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, 1907 ईस्वी में। देखो जी, अगला क्वेश्चन वही पूछ दिया, बताने की क्या जरूरत है, अगला क्वेश्चन तो वही पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो मेरे प्यारे लाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था, मेरे प्यारे लाल याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो नौ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, देवनागरी लिपि है, क्या है, देवनागरी लिपि है, आप लोग नौ का आंसर ए नंबर याद रखना, ठीक है। और सब स्टूडेंट वीडियो में कमेंट में जरूर लिखना जय माँ सरस्वती, सब लोग जरूर लिखना, क्योंकि हिंदी का पेपर है तो माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। और सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संस्कृत में भी हम आपको अच्छे से तैयारी कराएंगे, ठीक है। अभी संस्कृत का टेंशन छोड़ो, अभी हिंदी का टेंशन लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है, यानी कि देवनागरी लिपि से भिन्न का मतलब क्या है, अलग। देखो मराठी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें से एक अक्षर आता है ल, ठीक है, ल, जो देवनागरी लिपि से अलग होता है। ल को हम लोग मराठी में ऐसे नहीं लिखते, ऐसे ल को लिखते हैं, ऐसे रहता है, ऐसे करके रहता है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे होता है, ऐसे, और ऐसे हम लोग करके लिखते हैं मराठी भाषा में लॉ को, इसलिए मराठी भाषा से अलग लॉ है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया ऐसे ही कि बहादुर पाठ जो है वो एक कहानी है, और उस कहानी के लेखक हैं अमरकांत, कहीं दिया, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया, अमरकांत जी होंगे, कौन होंगे, अमरकांत जी होंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। देखो जी, निर्मला कौन थी, तो याद ना, कहानीकार की पत्नी थी। कहानीकार की पत्नी थी, देखो कहाँ दिया है, पत्नी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो देखो जी, जो सेकंड पाली का पेपर आया है मैथ और सोशल साइंस का, वो थोड़ा हार्ड पेपर है, ठीक है, वो हार्ड पेपर ही था। ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ाया था वो नहीं पूछा था। प्रथम पाली में जितने भी स्टूडेंट थे सब ने गर्दा मचा दिया, और द्वितीय पाली में सोशल साइंस का और मैथ का पेपर हार्ड था, जिस पर बहुत लड़के ने ट्वीट किया है, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कमेंट में यही लिखने का कि मतलब कि दोबारा फिर से एग्ज़ाम लिया जाए सोशल साइंस का सेकंड पाली वाला पेपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कों ने कमेंट किया है, बहुत ज़्यादा लड़कों ने ट्वीट भी किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन पेपर तो बहुत ज़्यादा हार्ड था, टीचर्स भी नहीं उसका आंसर बता पाते थे, वो सिलेबस से ही नहीं क्वेश्चन था, पता नहीं कि वो क्वेश्चन पूछा तो था कहाँ से पूछा था, वो आपके सिलेबस में क्वेश्चन ही नहीं था, उसमें 80% ऐसे क्वेश्चन था जो आपके सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस में था। तो आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछना, ये बिहार बोर्ड ने पूछ दिया, तो बहुत गलत किया आप लोगों के साथ, जबकि प्रथम पाली का पूरा पेपर एकदम सबको याद था, अच्छा पेपर गया था सबका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर कौन थे। देखो जी, शेक्सपियर कौन थे, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, शेक्सपियर एक नाटककार थे। क्या थे जी, शेक्सपियर एक नाटककार थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से, क्योंकि इनका जन्म लखनऊ में ही हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ना, तो लखनऊ में ही इनका जन्म भी हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है अभिनियम लेखक को किस लिए बुलाया गया था, अभिनियम में लेखक को किस लिए बुलाया गया था, तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। सिंपल में याद रखो, महाभारत देखने के लिए ही मतलब कि अभिनियम में लेखक को बुलाया गया था, भाषण सिनेमा देखने के लिए नहीं, बल्कि महाभारत देखने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली कहानी के लेखक हैं, मछली भी एक प्रकार का कहानी है, ठीक है, जैसे बहादुर कहानी वैसे मछली भी है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी होंगे। आंसर होगा आपका बी नंबर वाला, विनोद कुमार शुक्ल जी। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि रसूलन बाई कौन थी। तो देखो 17 का आंसर होगा आपका रसूलन बाई, तो गायिका थी ना, रसूलन बाई कौन थी, तो गायिका थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। देखो मेरे प्यारे लाल, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में होता है। आंसर आपका होगा सी नंबर वाला, 18 का आंसर क्या होगा जी, सी नंबर हो जाएगा। सब लोग अच्छे से याद कर लो, सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका गुरु नानक जी की रचना है, बताइए, तो इसका आंसर बता सकते हैं गुरु नानक जी की रचना है, तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने वही गुरु नानक जी की रचना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने वही गुरु नानक जी की रचना है। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है ब्रह्म का निवास होता है, तो ऑप्शन दिया समुद्र में, स्वर्ग में, आकाश में, काम क्रोधिन व्यक्ति में, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाइएगा, काम क्रोधिन व्यक्ति में, ब्रह्म का निवास होता है तो काम क्रोधिन व्यक्ति में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे, बनारस, गोरखपुर, सौराष्ट्र, ब्रजभूमि। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा बी नंबर, ब्रजभूमि में चले गए थे। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे, ब्रजभूमि में चले गए थे, आंसर होगा बी नंबर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संशोधित किया, तो मेघ को, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेघ को संशोधित किया था। आंसर क्या होगा, आंसर आपका 22 का होगा, ऑप्शन नंबर बी, मेघ को। अगला क्वेश्चन है कवि ने प्रजन्य किसे कहा है, तो बादल को कहा है, ठीक है, ये दोनों एक तरफ से देखिए, मेघ बादल, ठीक है, तो याद रखना। अब देखो मेरे प्यारे लाल, प्रेमधन का जो उपनाम है वो बताना है, प्रेमधन किनका उपनाम है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी को देखो, बद्री नारायण चौधरी, इन्हीं का उपनाम होता है प्रेमधन, ठीक है, प्रेमधन बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर आपका बी होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत माता कविता के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, भारत माता कविता के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है, वीणा, गुंजन, युगपत, ग्राम्या। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही देखा, ग्राम्या का मतलब समझते हो ना, गांव, गांव देहात, ग्राम्या, आंसर होगा बी नंबर।
देखो अगला क्वेश्चन जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे। जी क्या होंगे? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो आंसर सिमरिया में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के सिमरिया में हुआ था, यह क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 27 नंबर अपन का प्रश्न आता है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। तो 27 का मेरे प्यारे लाल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नगर के चौक पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन से अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अज्ञेय का मतलब समझते हो ना, अज्ञेय का उपनाम है, अज्ञेय का फूल नाम होता है सच्चिदानंद हिरानंद उत्स्यान अज्ञेय। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बता देना अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है, सच्चिदानंद हिरानंद उत्स्यान होता है। ठीक है, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, ज़्यादातर लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन से 29 नंबर कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या के कवि है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है, तो मधुमक्खी या फिर मक्खी। हाँ जी, मक्खी, मधुमक्खी नहीं बल्कि मक्खी पर टिक लगाइएगा आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, और 3 नंबर पर मक्खी पर टिक लगाना। अब देखो अगला प्रश्न आप लोगों का आता है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनामिका। क्या होगा जी? अनामिका अक्षर ज्ञान। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति जीनानंद दास की नहीं है, देखो इसका आंसर, देखो भूमिजा इनकी कृति नहीं है, बाकी सब इनकी कृति है। वनलता सेन, झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, ये सब इनकी रचना है लेकिन भूमिजा नहीं है। अब देखो 33-33 में प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो देखो कपास के पेड़ पर बोलता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पाठ नहीं पढ़े होंगे तो आप ऐसे ही अमरूद आम के पेड़ पर टिक लगा देंगे, लेकिन गलती मत करना, कपास के पेड़ पर बोलता है। ठीक है, आंसर होगा आपका क्या होगा, 33 का आंसर होगा सीन। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन कहा था कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था, इनकी किस देश के कवि है, तो जर्मनी के। जैसे क्या है उनका, क्या नाम है, भारत समकालीन के पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मूलर का भी जन्म जर्मनी में हुआ था, रेनर मारियल का भी जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में ही हुआ था। ठीक है, याद रखना। और कार्ल मार्क्स का जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग का भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था। ठीक है, वो सोशल साइंस का प्रश्न है। और आया था गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, प्रथम पाली में शायद। अब देखो अगला क्वेश्चन 35, भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई, तो आप लोग सोचोगे कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, टिक लगा देंगे, नहीं, भारत में जनतंत्र की स्थापना सन 1950 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो आंसर आएगा 36 का डीन वर्ग संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है, तो दही वाली मंगमा पाठ के जो पाठ है वो कहानी तो है लेकिन उस कहानी के लेखक है श्रीनिवास जी। ठीक है, आइए हिंदी कवर्णिका का क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन से आपका जी कि रंगपा था, देखो रंगपा एक जुआड़ी किस्म का लड़का था, हमेशा जुआ वगैरह खेलता था, पैसा हारता था, और जब पैसा इसके पास नहीं रहा तो वो मंगमा के पास जाकर तंग करके उससे पैसा लेता था। अब देखो अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, ढहते विश्वास, तो श्रीनिवास तो होंगे नहीं, सातकोड़ी होता होंगे। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार है, तो गुजराती भाषा के होंगे, और सामरदैया राजस्थानी भाषा, ये ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा गुजराती भाषा के, क्योंकि ईश्वर पेटलीकर माँ पाठ के लेखक है, माँ पाठ जो कहानी है ना उस पाठ के लेखक है। अगला क्वेश्चन से आपका 41 नंबर, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, तो एस रंगराजन, याद रखिएगा मेरे ही नाम से थोड़ा मैच करता है, एस रंगराजन, मेरा तो रंगराजन नाम नहीं है बट आपको पता होगा। ठीक है,
तो एस रंगराजन होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है कि सांवर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है, तो एक राजस्थानी होगा, मैंने बोला ना राजस्थानी समाज की है, और गुजराती वो ईश्वर पेटलीकर वाला हो जाएगा, लेकिन ये क्या है आपका राजस्थानी समाज का है। 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो क कंठ होगा ना, क से कंठ आता है ना, क को आप अपने जुबान से बोलिए और देखिए क्या आ रहा है, क यानी कि कंठ आ रहा है, तो कंठ पर टीक लगाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं हमको। अब देखो अगला क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा नहीं है, अब आपको बता दें देखो भाववाचक संज्ञा कौन है, देखो चोरी बुढ़ापा बचपन ये सब भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ये अफ्रीकी जो है ना वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, अफ्रीकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन सर्वनाम का कितने प्रकार होते हैं, देखो जी सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं और विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, तो क्या होगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन पशु का विशेषण बताइए, पशु का विशेषण क्या होगा, पशुता होगा या फिर पाशविक होगा, नहीं जी नहीं नहीं नहीं, पशु का विशेषण पूछा है ना, तो आप लोग चिंता मत करो आसानी से आप बता दोगे पाशविक, जैसे मित्र का मित्रता हो जाएगा, पशु का क्या होगा पाशविक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आसन भूतकाल का उदाहरण बताओ, आसन भूतकाल का आपको उदाहरण बताना है, तो यहाँ पर देख लो मैं चला हूँ यही आसन भूतकाल का उदाहरण है। अब देखो 48 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न आपसे पूछता है कि सदाचार में कौन सा संधि है, संधि पढ़े ना, संधि 3 प्रकार का होता है, व्यंजन संधि विसर्ग संधि स्वर संधि, और स्वर संधि में भी 5 होता है ना शायद, तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है, संधि 3 प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, तो याद रखना 48 का आंसर होगा ए नंबर व्यंजन, क्या होगा जी व्यंजन होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन तिरस्कार का सही संधि विच्छेद होगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा जी आप लोग बता सकते हो, देखो ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखो, तिरा प्लस कार यही आपका तिरस्कार का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपन का आता है इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, कर्मधारय समास किस में नहीं है, परमेश्वर पीताम्बर भारतवासी महाजन, तो गौर से देखिए ऑप्शन नंबर ए को भारतवासी, इसमें कर्मधारय नहीं है, बाकी सब में कर्मधारय है। और देखो अगला क्वेश्चन मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है, क्या आपको पता है क्या उनका आंसर, मदद करने से मना कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा जैसे कि नहीं होता है आपके गांव में या फिर आपके देहात मोहल्ले में कि कोई कहता कि थोड़ा मेरी हेल्प कर दो ना, तो आप लोग ऐसे अंगूठा दिखा देते हो, ले लो ऐसे बोलते हो ना, मैं नहीं मदद करूँगा, अंगूठा दिखा देते हो, तो समझ जाना अंगूठा दिखाना, मदद करने से मना कर देना मुहावरे का सही अर्थ होता है अंगूठा दिखा देना, ऐसे आप लोग पहचानिएगा मुहावरे का अर्थ, ठीक है। तो देखो जितना भी क्वेश्चन बताया उसको अच्छे से रिविज़न कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी आपको और इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेगा, जो आपको वीडियो मिलेगा वही सब एग्ज़ाम में आएगा, आज का पढ़ाई आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिला सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और कमेंट में तो आपको लिखना ही होगा जय माँ सरस्वती, ठीक है। चलो